लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, राजू जानवरों की स्मगलिंग कर रहा है और फॉरेस्ट रेंजर की जान भी उसने ली है। अगर आप उसकी लॉरी की तलाशी लेंगे तो आपको सब सबूत मिल जाएंगे। ऑल राइट। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को ठीक से सजा दिया है ना? जी बिल्कुल ऐसा सजाया है जी कि दूल्हा दुल्हन थोड़ी देर के बाद आकाश में हनीमून मनाएंगे जी और चांद तारे तालियां बजाएंगे जी। आइए नाकाम आशिक साहब, बारात तो जा चुकी है, आप शायद कुर्सियां उठाने और प्लेटें धोने आए। प्लेटों को तेरे खून से धोने आया हूँ। तूने रात धमका कर मेरी मीना की शादी किसी कायर आदमी से कर दी, मेरे प्यार को तबाह कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर राजू, हमने तुम्हारी लारी को तलाशी के लिए चेक पोस्ट के पास रोका, तुम नहीं रुके, ये जुर्म है। इंस्पेक्टर, गो एंड चेक द लॉरी। मेरी लारी की तलाशी किस लिए? इसलिए कि तुम इस लारी में जानवरों की स्मगलिंग कर रहे हो और जिस आदमी का खून किया है उसकी लाश भी इसी में है। सर, खबर सच निकली, इसमें जानवर भी है लाश भी। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर इंस्पेक्टर? सर, जो खबर मिली उसी के अनुसार हमने इसकी लारी की तलाशी ली और उसमें इसम मिले। वीरू, ये सब झूठ है, सब धोखा है। तुम्हें नहीं मालूम कोबरा ने जानबूझकर मीना की शादी करवा दी है और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए जेल भिजवाना चाहता है। मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। नहीं, मैं नहीं करूंगा। हट जाओ वीरू, छोड़ दो मुझे वीरू। इस वक्त सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, कानून की नजर में तुम गुनहगार साबित हो चुके हो, इसलिए तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वीरू, तू भी मुझे गलत समझ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिल जाते, अंधेरे में मुंह छुपाए मुजरिमों को रोशनी में लाकर उनका चेहरा कानून को नहीं दिखाया जाता, तब तक तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। प्लीज राजू, ये सब झूठ है वीरू, ये सब झूठ है। शादी के बाद मीना जिस गाड़ी में जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया, सुना है वो मर गई। नहीं, कोबरा ने इस बंगले को किसी बड़े जमींदार को बेच दिया है और उसका जंगल में जो बंगला है वो वहां रहता है। वीरू, मेरे गुरु ने खत दिया तुम्हारे नाम। मेरे जाली दोस्त वीरू, मुझे शक है कि कोबरा ने जानबूझकर मीना का कत्ल किया है और मैं ये भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोबरा और उसके साथियों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गिरफ्तार करवाया है। उनसे बदला लेने के लिए मैं जेल तोड़कर जा रहा हूं। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं मीना की मौत का बदला लेकर रहूंगा, भले मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अब भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है
कि तुम और शालू हमेशा खुश रहो। वीरू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ शालू, मेरा दोस्त राजू जो जेल तोड़कर भाग निकला है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, इस स्मगलर हरि को कानून के हवाले करना भी मेरा ही जिम्मा है। फिरू, ये वही आदमी है जिसने मेरी माँ को धोखा दिया, उसकी मौत का कारण बना। ये देखो, फिरू, मैं भी तुम्हारे साथ उस नीच को पकड़ने चलती हूँ। ठीक है, चलो आओ। शालू, सड़क पर चारों तरफ से कोबरा के आदमी हमारे इंतजार में होंगे, इसलिए इस किश्ती में समुंदर के रास्ते पूरा किनारा घूमकर हम जंगल में पिछले रास्ते से दाखिल हो जाएंगे। पप्पी, थैंक यू। खसीदा चाहला? अब क्या? हाँ सर जी, लाया जी। बैक कर लीजिए। माय डार्लिंग, उठा लो। हेलो, कोबरा स्पीकिंग। क्या जोरो? वो पुलिस ऑफिसर वीरू कश्ती में इस तरफ आ रहा है। अबे उल्लू के पट्टे पूछने की क्या जरूरत है, बम मार के कश्ती उड़ा दे। गधा कहीं का। क्या किधर गई? ये क्या कर रहा है बे? मेरा जानी डार्लिंग चाय पी रहा डैड। अबे कोई शर्म वाला है कि नहीं, जब मौका मिलता है चोरियां शुरू कर देता है, बंदर कहीं का। हट जा, घसीटा और चाय बना के ला। अब मैं नहीं बनाऊंगा जी, बड़ी मुश्किल से मैंने चाय बनाई थी जी, वो बंदर पी गया जी। अब इस बंदर से कहिए कि वो चाय बनाए और मैं भी पीऊंगा जी। अबे घों चुके है, मेरे जानी डार्लिंग को बंदर कहा ना, तो मैं तेरा सुंदर बना दूंगा। माफ करना पिताजी, गलती हो गई, मेरी हालत क्या हो गई, आदमी तो आदमी बंदर तक डांटते। हमारा प्लान कामयाब रहा, दुश्मनों को बम मार के उनके छीतड़ उड़ा दिए। मिस्टर हरी, तुम सिर्फ भेष बदल सकते हो, काम कुछ नहीं कर सकते। देखा, हमने यहाँ बैठे बैठे दुश्मनों को यूं सफाया करके रख दिया। आप अपनी तारीफ के ढोल अपने मुंह से पीटिए, और आपको कंपनी देने के लिए ये हाथों से ढोल बजाता है। डरो नहीं, लगता है ये हमारी मदद के लिए आई है, वरना हमारे मुंह पर पानी फेंक कर हमें होश में क्यों लाती। अरे देखा शालू, हमें प्यार कर रही है। अरे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, तुम भी हाथ मिलाओ। वीरू, भगवान की दया से हम अब तक जिंदा तो हैं, अब जो खाने को कुछ मिल जाए तो जान में जान आए।
लगता है ये हमारी बात समझ गई, कुछ खाने को लाने गई है। अरे देखो हमारे खाने के लिए फल फेंक रही है। हाँ। चलो कितनी अजीब बात है शालू, इंसान हमें मारने की कोशिश कर रहा है और ये जानवर हमें जिंदा रखने में मदद कर रहा है। ऐसा लगता है कि हम जंगल में मंगल मना रहे हैं, क्यों है ना? भगवान, इस दुनिया में जब भी पाप बढ़ा, जब भी जुल्म सर उठाया, तूने उसे कुचल दिया। आज तेरा ये भक्त अपना भेष अपना नाम बदलकर फिर पाप को खत्म करने के लिए जा रहा है। मुझे शक्ति दे भगवान, मुझे शक्ति दे, मैं जंगल का शेर बनकर इन पापी दरिंदों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। मुझे शक्ति दे भगवान। मैं जंगल का शेर, बताओ ये किसका इलाका है, किसने तुम्हें यहां रखा? हम सवाल करने वालों को जवाब नहीं देते। जवाब नहीं देते? मुझे मुंह खुलवाना आता है। बताओ किसके आदमी हो? अब कौन है तुम्हारा बॉस? अब हम इस जंगल के शेर का नाम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर आपको वो नाम अच्छा लगता है आप इस्तेमाल कीजिए, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आदमियों के गेटअप करता हूँ, जानवरों के नहीं करता। शट अप! पहले जो मैं कहता हूँ वो सुनो। हमारे आदमी जंगल के शेर का नाम लेकर कबीले वालों को लूटना और मारना शुरू करेंगे, उसके बदले कबीले वाले जंगल के शेर को जान से मार डालेंगे। वीरू, हम कितना चल चुके हैं और कहाँ तक जाना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान मत हो, जिस तरह रावण की लंका में राम को हनुमानी सीता तक ले गए थे, उसी तरह कोबरा के लंका में हमको ये हमारा छोटा हनुमान ले जाएगा। वीरू हाथी, लक्ष्मी क्या बात है? मीना, वीरू, शालू, तुम ये कह रहे हो? मीना, शालू, मीना, वीरू, तुम जिंदा हो?
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। कोबरा ने मुझे मारने की कोशिश की, उसने एक अनजान आदमी के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी और हम दोनों को कार में रवाना किया। खुशकिस्मती से जो गाड़ी पहाड़ियों से जंगल में गिरा दी गई उसमें से मैं बाहर फेंक दी गई। जब आंख खुली तो पता चला कि एक बूढ़े आदमी दादा जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने मुझे इस हालत में देखकर अपने झोपड़े में पना दी। तो इन तमाम जुर्मों का जिम्मेदार कोबरा है। राजू पर भी उसने जबरदस्ती खून का इल्जाम लगाया और उसे जेल भिजवाया। जब राजू को तुम्हारी मौत की खबर मिली तो वो जेल तोड़कर भाग निकला और इस वक्त वो भी इसी जंगल में है। खैर ये बताओ, वो दादा कहाँ है जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई? आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको दादा से मिलवाती हूँ, वही आपको सारी कहानी बताएंगे। चलो लक्ष्मी। इस तरह मैंने मीना के पिता को धोखा दिया, जिसकी सजा मुझे ये मिली कि मेरे ही साथियों ने मेरा ये हाल किया, लेकिन मीना को बचाकर मैंने अपने पाप धो लिए। दादा, आपकी वजह से हम सब लोगों का मिलन हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीना, बहुत थक गए होंगे ये, इनके नहाने का बंदोबस्त करो। जी। पीरू। क्या बात है दादा? पीरू, तुम्हारी छाती पर ये निशान कब से है? जब से होश संभाला तब से, किस चीज का मालूम नहीं। तुम्हारी दूसरी सालगिरह पर तुम्हारे पिताजी ने ये खानदानी निशान तुम्हारे जिस्म पर लगाया था। दादा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिताजी को जानते हैं? बताइए दादा, मैं कौन हूँ? मेरे माता पिता कौन है? बताइए दादा। और कोई नहीं, जिन्होंने मीना को जन्म दिया वही तुम्हारे माता पिता हैं। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? हाँ बेटी, वीरू तुम्हारा सगा भाई है। मीना भैया। मीना, अब तक मैं अपने आप को एक पतंग की तरह समझ रहा था जो बिना डोर के हवा में उड़ रही थी, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथ रिश्ते की डोरें भी बंधी हुई हैं। ममता की डोर, बहन की रिश्ते की डोर। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही मकसद हैं, एक ये कि बेटा होने के नाते मां को जालिमों की कैसे आजाद कराऊं, और दूसरा ये कि भाई होने के नाते बहन के प्यार को बेगुनाह साबित करके उसकी शादी करा दूं। मगर भैया। मीना, तुम्हारी जो शादी करा दी गई थी वो शादी नहीं थी, जुल्म था, और जुल्म की आग के फेरे ले लेने से लगन नहीं हो जाता। अब तेरा भाई राजू को बेगुनाह साबित करके तुझे अपने हाथों से सजा के उसके घर विदा करेगा। तेरा भाई अपना वादा पूरा करेगा मीना। देखो मीना, तुम्हारी शादी की बात सुनकर ये दोनों भी कितने खुश हैं। हमसे जरूर कोई पाप हो गया है जो देवा क्रोध में आ गया है। उसकी क्रोध की आग को ठंडा करने के लिए हमें बलि देनी होगी। चलो बलि की तैयारी करो फौरन। ये लड़की कौन है? ये कबीले वालों की लड़की है, लगता है कोई मुसीबत आ गई। चलो देखें। चलो चलो देखते हैं।
बाबूजी, पहले जो लोग गायब हो जाया करते थे, हम ये समझते थे बाको को जंगली जानवर उठाकर ले गया, खो गए। मगर बाबूजी अब तो दिन दहाड़े खुल्लम खुला घोड़ों पर सवार आवे हैं, घरों में घुस जावे, जो मर्द और बाको मिले उठा कर ले जावे हैं। बाबूजी हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन एक बात बताइए, आपको किसी पर शक है या कोई दुश्मन हो आप लोगों का जो आपसे बदला लेना चाह रहा हूँ? बाबूजी हमारा कौन दुश्मन हो जो हमसे बदला ले? हाँ एक बात जरूर होते थो, जो आया करतो थो शोर मचाया करतो थो, जंगल के शेर की जय, जंगल के शेर की जय। जंगल का शेर? शालू एक ही आदमी है जो हर रोज भेष बदल बदल कर दुनिया और कानून को धोखा देता आ रहा है, हरी। और आज वो जंगल के शेर का भेष बदल कर इस कबीले के लोगों को तबाह कर रहा है। सारी मेहनत क्या हुआ? राधा ने कागजात पर दस्तखत कर दिए? हरामजादी ने साफ इनकार कर दिया। कोबरा जी, हम दुनिया भर के गैर कानूनी काम तो करते हैं जी, अगर इस बुढ़िया के नकली दस्तखत भी खुद ही कर ले तो कैसा लगे? नहीं, पकड़े गए तो सजा एक ही होगी जी। आओ जॉनी, आओ। हाँ, नागू जी और जॉनी जी कार से उतर तो रहे, मगर इनके चेहरे और एक आंख से लगता है कि कोई भयानक खबर लेकर आ रहे हैं। डैडी, कबीले के लोग अपने आदमियों के गायब होने की वजह से बहुत गुस्से में आ और गायब करने वालों की तलाश भी कर रहे हैं। मर गए, अगर वो तलाश करते करते हमारे अड्डे तक पहुंच गए जी, तो अपने देवता खंडाला बंडाला के सामने हम सबकी बलि चढ़ा देंगे जी। नहीं नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। ओ, उसके लिए हमने एक प्लान सोचा है। हमने सुना है इस इलाके में एक जंगल का शेर है जो जब भी चाहता है किसी न किसी को उठा के लेके चला जाता है। हम उसके बारे में पूरी रिपोर्ट चाहते हैं। हो कौन साहब? हैं? हम कौन है? बिल्ली की बेइज्जती, वर्दी की तोहीन। सब इंस्पेक्टर, टेल दिस थिंग व्हाट आई एम। आईजीपी पुलिस, वजीफेदार, मामलतदार, तालुकेदार हीरा लाल हरि, सरकार ने इनको खास करके यहाँ पर भेजा है अपने अकल के पिंजरे में उस जंगली शेर को गिरफ्तार करने के लिए। अरे सरकार के आदमी है क्या? ठीक है ठीक है, अब सुनो, हम इस मामले में पूरी तहकीकात करेंगे। अगर वो शेर तुम्हारे हाथ में आए तब भी उसे पकड़ना मत, समझे? वरना हम तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, अब आईजी का भेष बदल कर आया, देखता हूँ। मीना, मैं जल्दी ही रानी के लिए घाघरा और चोली बना रही हूँ। हाँ, लेकिन इस टकली के लिए चोटी और जूड़ा बनाने के लिए बाल कहाँ से लाओगी? हाँ, क्यों घसीटा? देखा कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मेरी एक्टिंग भी कोई बुरी नहीं थी जी। आप तो रोज रोज हुलिया बदलते हैं जी, और मैं तो कभी कभी जी। अरे मीना जी का भूत, ये तो जिंदा है, एक्सीडेंट में मरी नहीं जी। हरामजादे, मेरा भाई और तू कभी ढंग का काम मत करना। मगर तू बस जीजी करके मस्का लगा के अपनी जेबें भरना। मगर वो मेरा भाई। रुक जाओ यहीं नौटंकी वालों। नौटंकी वाले क्या बात करते हो? हाँ मैं तालुकेदार, मामलतदार, वजीफेदार हरी एम हरी, आई जी ऑफ पुलिस। अबे चुप, मैं तेरी असलियत भी जानता हूँ, तेरे सारे नाम भी। नृत्य सम्राट नूरुद्दीन हरी मोहम्मद अली, हरी शमशेर खान, रणधीर बलबीर हरी सिंह, डैनियल बाकले जॉर्ज कैवेंडर्स हरी। तुम तो हमारा सारा जुग्राफिया जानते हो, कौन हो तुम? मैं जंगल का शेर। हाँ, जंगल का शेर वीरू। तो तुम भी जिंदा हो? हाँ, तुम जैसे पाप के राक्षस को खत्म करने के लिए मैं भी जिंदा। क्या हेकड़ी मारी थी आपने? मैंने मास्टर प्लान बनाया। आपका प्लान मास्टर नहीं था, घटिया था। आपने अपने भेजे की दिमाग की इतनी तारीफ कर दी कि सुनते सुनते हम लोगों का दिमाग खाली हो गया। आपने कहा था वीरू भी मर गया, मीना भी मर गई, हम लोगों ने जाम भी पी लिए थे शराब के। अब पता चला है कि वो मरे नहीं, दोनों जिंदा है, और वो वीरू जो है ना जंगल का शेर बना घूमता है। अब तो मान लो इस बात को कि तुम्हारे दिमाग में भेजा नहीं, भूसा भरा हुआ है सब। तू क्या आस्ता बे?
हमने एक और शानदार प्लान सोचा। नो प्लीज नो। सुना, अब तुम्हें एक और भेष बदलना होगा और यह तुम्हारा आखिरी भेष होगा कबीले वालों। बहुत लाज हो गया रानी, अब उठो थोड़ा काम करो, मेरे लिए पानी लेकर आओ। नागू, इसकी अच्छी तरह से रखवाली करना। जानी डार्लिंग, यह हमारी बहुत खास लड़की है, वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल, इसकी बड़े ध्यान से रखवाली करना। ये लो। जंगल के शेर के इलाके में कदम रखने की हिम्मत कैसे की तूने? यहां लड़की को हाथ लगाना तो एक तरफ, उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गुनाह है।